व्यूअर्स, आज हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू लाहौर सिटी फ़ेज़ 4 में, और फ़ेज़ 4 के हवाले से आज हम आपके साथ कुछ एक बेसिक डिस्कशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अली कुमैल CDB प्रॉपर्टीज़ से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू लाहौर सिटी फ़ेज़ 4 में, और फ़ेज़ 4 के हवाले से आज हम आपके साथ कुछ एक बेसिक डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम आपको फ़ेज़ 4 के प्रीवियस हिस्ट्री से ऑनवर्ड्स आने वाले वक्त के इसके मुस्तकबिल के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे। व्यूअर्स, फ़ेज़ 4, जैसा कि आप सब जानते हैं, फ़ेज़ 4 1 के बाद 2 और 3, इस टाइम पीरियड में हमारे बहुत से बेहतर ऐसे क्लाइंट्स थे जिन्होंने फ़ेज़ 4 में खुल के अपनी बाइंग की, इन्वेस्टमेंट की, और किसी ना किसी डिफरेंट मामलात की रीजंस की वजह से फ़ेज़ 4 के अंदर कई चीज़ों में काफ़ी ताखीर और काफ़ी डिले का हमारे क्लाइंट्स को सामना करना पड़ा। लेकिन आज भी हम ये कह सकते हैं कि फ़ेज़ 4 की डेवलपमेंट में न्यू लाहौर सिटी इस वक्त मुकम्मल तौर पे अपनी मुकम्मल कोशिशों के साथ हर तरह की डेवलपमेंट के लिए इस वक्त जो है पॉजिटिव है, और हर तरह से यहाँ पे जितनी जल्दी और जितनी अर्ली हो सकता है लैंड की एक्विजिशन के साथ साथ यहाँ पर डिवेलपमेंट का वर्क भी स्टार्ट कर रही है। आने वाले वक्त में, जैसा कि आपने हमारी कई प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा है, बैक साइड पे जैसा कि CDEFG ब्लॉक की यहाँ पे मज़ीद डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। आज हम थोड़ा सा आपको फ़ेज़ 4 के हवाले से एक कंपैरिजन शेयर करेंगे कि इन फ्यूचर आपको फ़ेज़ 4 में इन्वेस्टमेंट या फिर रिहाइश के लिए ये फ़ेज़ दूसरे फ़ेज़ की निस्बत आपके लिए क्यों ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्यूअर्स, अगर आप न्यू लाहौर सिटी के मैप को और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली रिव्यू करें, तो आपको फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 में एक मेजर डिफरेंस जो नज़र आएगा वो फ़ेज़ 4 का इसकी डायरेक्ट अप्रोच आपको केनाल रोड से होने का आएगा। दूसरे फेजेस में जैसा कि आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं मिलती, और इस केनाल रोड की हिस्ट्री को देखते हुए अगर देखा जाए तो केनाल रोड के ऊपर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, अगर वो आज की डेट में कामयाब सोसाइटीज़ गुजर चुकी हैं, तो उसकी मेन वजह उसकी एंट्रेंस, उसकी बेहतरीन अप्रोच है। और इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यू लाहौर सिटी फ़ेज़ 4, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच आपको केनाल रोड से मिलती है, होपफुली आने वाले वक्त में यहाँ पे आपको बेहतरीन कामयाबी की वजह इसकी अप्रोच ही बनेगी। अगर मैं आपसे अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो इस वक्त केनाल रोड के ऊपर बहरिया टाउन, इसके अलावा सुखचंद गार्डन और केनाल गार्डन, इस जैसी जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं, आज यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ प्लाट्स के रेट्स 200% इंक्रीज़ हो चुके हैं, तो उसकी मेन वजह केनाल रोड से डायरेक्ट अप्रोच है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़ेज़ 1 में आपको डायरेक्ट अप्रोच होने की वजह से अब वहाँ पे 5 मरला 10 मरला की प्राइसेस ऑलमोस्ट 200% इंक्रीज़ हो चुकी हैं। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ़ेज़ 4 का भी आपको फ्यूचर यही कुछ ही अरसे में देखने को मिलेगा। दूसरी एक अहम रीज़न आपके साथ शेयर करना चाहूँगा फ़ेज़ 4 के हवाले से, कि ये फ़ेज़ अगर दूसरे फेजेस से कंपैरिजन किया जाए तो एक बहुत बड़ा फ़ेज़ है, और आने वाले वक्त में इसके सराउंडिंग में, यानी कि जो दूसरे आपको इसकी जो फ़िलहाल बाउंड्रीज़ हैं यहाँ पे आपको अगर देखा जाए, तो इनकी बाउंड्रीज़ में अभी भी बैक साइड पे बहुत सी ऐसी लैंड बाकी है जो इनकी एक्विजिशन में है, और होपफुली इन्होंने टाइम बाय टाइम उनकी तमाम तर NOCs और इनकी अप्रूवल्स के बाद उन फेज़ को डेवलपमेंट की तरफ लेके आना है। तो आने वाले वक्त में हमारे जितने भी वो क्लाइंट्स जो ऑलरेडी इस वेट में हैं कि उनकी फ़ाइल्स को किस वक्त प्लॉट नंबर्स और उनको ब्लॉक नंबर या फिर उनके जो फाइल्स हैं वो मैप के ऊपर रिवील होंगी, डेफिनेटली उस वक्त फ़ेज़ 4 की बहुत ज़्यादा वर्थ होगी और बहुत ज़्यादा इसके एक्सपेंशन के चांसेस रहेंगे। तो यही एक मेन रीज़न हमें ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए फ़ेज़ 4 की कामयाबी की, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या फिर रिहाइश के लिए एक बेहतरीन लोकेशन या सोसाइटी होने की। व्यूअर्स, न्यू लाहौर सिटी फ़ेज़ 4 के मुस्तकबिल और एक
पॉजिटिव मुस्तकबिल की एक अहम रीज़न, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न मैं कंसीडर करता हूँ, वो एक आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप थोड़ा सा अपना रिव्यू करें इसकी सराउंडिंग सोसाइटीज़ में, जहाँ पर आपको जैतून सिटी मिलती है, बिल्कुल क्लोज बाय आपको विक्टोरिया सिटी मिलेगी, जहाँ अभी भी 3 मरला के प्लॉट्स जो विदाउट डिवेलपमेंट चार्जेस, विदाउट मैप, विदाउट लोकेशन आपको 21,50,000 रुपये, 22,50,000 रुपये के 3 मरला का प्लॉट कॉस्ट करता है, जो 3 साल की इंस्टॉलमेंट में है, जबकि यहाँ पे आपको अभी भी 3 मरला का प्लॉट 13 लाख रुपए में भी क्लॉस करता है, जो आपको लोकेशन के साथ, मैप के साथ और करंट चलती हुई डेवलपमेंट के साथ आपको ये देखने पड़ेंगे। तो व्यूअर्स, मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए मुतमईन हूँ और मैं बिल्कुल ये आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वक्त बाइंग और सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किनाल रोड के सबसे बेहतरीन लोकेशन पर फेज़ 4 को अप्रोच करना, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट और आने वाले 5 से 4 सालों के अंदर यहाँ पर रिहाइश रखना एक बेहतरीन आपके लिए साबित हो सकता है। न्यू लाहौर सिटी फेज़ 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड किसी किस्म की क्वेरी, क्वेश्चन, सेलिंग, बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर इसके कस्टमर केयर ऑफिस से रिलेटेड कोई आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स 0333-111-5400। इंशाल्लाह एक नई अपडेट, एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।